प्रोग्राम में आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सुखी जीवन को और भी सहायक बना सकता है। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। जब आप बीमार होते हैं तो आपको ठीक होने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। कल्पना कीजिए, बिना डॉक्टर की आपकी हालत क्या होगी। आपके रोग की अवस्था से उत्पन्न दर्द या चटपटा, या तो स्वयं आप या भगवान, ये सिर्फ डॉक्टर ही जान सकते हैं कि आप पर क्या हो सकता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार आप अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें, बिल्कुल दिशाहीन। ऐसे में डॉक्टर की तरह काम आते हैं ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के एक्सपर्ट्स। हमारे भारत की प्राचीनतम ऋषि मुनियों के अथक परिश्रम की खोज ज्योतिष विज्ञान आपके जीवन के लिए उसी तरह उपयोगी है जिस तरह आपके दिमाग में भविष्य दर्शन की। इसी प्राचीनतम ज्योतिष विज्ञान में एक मिशन के रूप में आज से 15 साल पहले पाथफाइंडर एस्ट्रोबॉस्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट का आगमन हुआ था, जिसने ज्योतिष जगत में एक नवीन अध्याय की शुरुआत की। पाथफाइंडर एस्ट्रोबॉस्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के सपने को साकार करने वाले डॉक्टर दिनेश ओझा और डॉक्टर भानुंजय धवर स्वयं एस्ट्रोवास्तु न्यूमरो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त सुप्रसिद्ध अवार्ड विनर डॉक्टर भानु जी और डॉक्टर दिनेश जी आज हमारे साथ हैं, तो आइए हम उनसे मिलते हैं। ज्योतिष विज्ञान पर रिसर्च करने और इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए 15 वर्ष पहले एक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई जिसका नाम है पाथफाइंडर एस्ट्रोवास्तु रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एस्ट्रोवास्तु विज्ञान में की पीएचडी की डिग्री प्राप्त दो नवयुवकों डॉक्टर दिनेश ओझा और डॉक्टर भानुजय धवर द्वारा की गई। इतने सालों के इस सफर में लाखों लोगों ने इस इंस्टीट्यूट से लाभ उठाया है। शुभकामना के असंख्य पत्र और अखबारों में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रशंसा में छपे हुए थे, इसके पुख्ता सबूत हैं। नमस्कार। सर, क्या आप पाथफाइंडर एस्ट्रोवास्तु रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पाथफाइंडर एस्ट्रोवास्तु रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जो धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एवं मंत्र शक्ति पर विश्वास रखने वाले एवं इसी सब्जेक्ट में रुचि रखने वालों के लिए अध्ययन का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। साथ ही मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वास्तु और गुप्त विद्याओं के माध्यम से अपना समाधान ढूंढना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। जिस तरह से अंधेरे में फंसे हुए व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो अंधेरे में फंसा हुआ होता है, दिशाहीन होता है, उसका कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में रोशनी उसका मार्गदर्शन करती है तो वो दिशा प्राप्त करता है। इसी तरह से जीवन की जटिल परिस्थितियों में व्यक्ति जब विषम परिस्थितियों से घिरा होता है तो उसे ये मालूम नहीं होता कि वो क्या करे क्या नहीं करे। ऐसी परिस्थितियों में ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति के लिए रोशनी का कार्य करती है तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करती है ताकि वह अपने जीवन को सुखी और संपन्न तरीके से जी सके। ज्योतिष विज्ञान की मदद से हम क्या क्या जान सकते हैं? ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपन अपने जीवन के हर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो व्यवसाय से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे पारिवारिक सामंजस्य की कमी आ रही हो। यानी जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि वहाँ पे अगर अपनी समस्या है और उसका समाधान ज्योतिष से नहीं मिल सके। ज्योतिष अपने आप में एक इस तरह से संपूर्ण विज्ञान है कि जो जीवन से रिलेटेड हर समस्याओं का समाधान व्यक्ति इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, पारिवारिक स्थिति के बारे में, सुख समृद्धि के बारे में, विद्या के बारे में, उसको अपने होने वाली संतान के बारे में, अपनी पारिवारिक स्थिति में दैनिक दिनचर्या जो रहती है उसके बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में, उसकी धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को लेकर, यहाँ तक कि उसके नक्श सिख तक, वो अपने जीवन की तमाम उन घटनाओं को जान सकता है जिससे उसे जीना है, जिसमें से उसे गुजरना है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें से चाहे जितने मोती निकाल के व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए वो सीख सकता है। भानु जी, ज्योतिष के पीछे कुछ साइंस भी है या
बिल्कुल, ज्योतिष विज्ञान में साइंस है। अपना शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, संपूर्ण सृष्टि भी पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्वों का असंतुलन संतुलन व्यक्ति के लिए और सृष्टि के लिए अपनी एक्शन और रिएक्शन की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। जब सृष्टि के पंच तत्व इम्बेलेंस होते हैं तो तूफान आंधी बाढ़ वगैरह जैसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्याप्त होती हैं। इसी तरह से संबंध व्यक्ति के शरीर की पंच तत्वात्मक सिचुएशन जब बिगड़ती है तो उसके भी शरीर में रोग आदि परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। ज्योतिष विज्ञान में यह माना गया है कि सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। सूर्य की रोशनी का प्रभाव जब व्यक्ति पर पड़ता है, कॉस्मिक एनर्जी के रेडिएशन एंड रेडियोनिक्स जब वो उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ते हैं तो व्यक्ति की विचारधारा वैसी बदलती जाती है, वैसी होती जाती है। अगर वो सकारात्मक है तो व्यक्ति सकारात्मक तरीके से चलता है, अगर वो नकारात्मक है तो व्यक्ति नकारात्मक तरीके से चलता है। इसी तरह से सफलता और सफलता असफलता दोनों व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से व्याप्त होती है, उसको मिलती है। जिस तरह से समुद्र का पानी चंद्र के प्रभाव से तूफानमय हो जाता है, उसकी लहरों में उछाल आता है, वो लहरें आसमान की तरफ उछलने लगती है, चंद्रमा की तरफ खींचने लगती है। उसी तरह से व्यक्ति के शरीर पर जब चंद्रमा का प्रभाव सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो उसकी जिस तरह का प्रभाव होता है, जैसी परिस्थिति होती है, वो अगर नकारात्मक है तो व्यक्ति में नकारात्मकता बढ़ती जाती है, अगर वो सकारात्मक है तो सकारात्मकता बढ़ती जाती है। व्यक्ति की बुद्धि विवेक, मैं कहूंगा कि भाग्य और दुर्भाग्य एक शब्द का खेल है, विवेक का। वो विवेक उस ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से बिगड़ जाता है तो व्यक्ति का दुर्भाग्य शुरू होता है, और वो अगर सकारात्मक बिगड़ जाता है तो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में वो सौभाग्यशाली होकर धनी सुखी और उन्नत जीवन जीता है, अन्यथा वो राजा से रंग बनकर गरीबी का दुख का झंझटों का त्रासदियों का जीवन जीता है। ये भी जानना चाहती हूँ कि पाथ फाइंडर एस्ट्रो वास्तु रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्योतिष विज्ञान में कार्यरत है या इसकी और भी गतिविधियाँ हैं? ज्योतिष के साथ ही पाथ फाइंडर वास्तु, न्यूमरोलॉजी, आकृति विज्ञान, मंत्र शक्ति व उनका मानव जीवन पर प्रभाव, उससे संबंधित अध्ययन, मार्गदर्शन एवं जो लोग जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से घिरे हुए हैं उनके लिए समाधान भी प्रदान करता है। भारतीय प्राचीन गुप्त विद्याएं एवं ऐसी विद्याएं कि जो अभिप्राय उनको रिसर्च बेस पे खोज के निकालना और जन सामान्य के लिए उपलब्ध करवाना ये पाथ फाइंडर का मुख्य उद्देश्य है। आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली की मदद से जीवन में आ रही समस्याओं की निदान पाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। तो अब आप वास्तु विज्ञान और न्यूमरोलॉजी के बारे में संक्षेप में कुछ बताइए। जी मैडम, बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे। जिस तरह से ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान में काम आता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलावा उनके पारिवारिक सिचुएशन के विषय में जानने के लिए काम आता है, उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में जानने के लिए काम आता है, उसी तरह से वास्तु व्यक्ति के जीवन को सुखी तरीके से किस तरह से जिया जाए, उसके लिए वास्तु किस तरह से उपयोगी हो सकता है, उसका मार्गदर्शन करता है। वास्तु विज्ञान रहने के स्थान, फैक्ट्री, दुकान, मकान जैसे कारखाने, इंडस्ट्रीज, उनके ऊपर एक ऐसा विज्ञान जो विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा द्वारा जन सामान्य के हितार्थ को प्रदान किया गया। बाद में बहुत सारे ऋषि हुए जिन्होंने इस ज्ञान में और भी रिसर्च किया, मनन किया और उन्होंने इस विषय को और आगे बढ़ाया। वास्तु विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सुखी संपन्न शांत जीवन कैसे जी सके, हेल्दी जीवन कैसे जी सके, उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। पंच तत्वों का सामंजस्य कॉस्मिक एनर्जी के साथ किस तरह से बैठे, इसके विषय में वो मार्गदर्शन प्रदान करता है। जिस आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति शमशान घाट में जाकर बैठता है तो उसके ऊपर उसके वास्तु वातावरण का प्रभाव किस तरह से बुरा प्रभाव डाल देता है कि वो एकदम उदासीन हो जाता है, उसके ऊपर वैराग्य आ जाता है। लेकिन वही शमशान घाट से जब बाहर आता है, दैनिक वातावरण में मिक्स होता है, तो वो वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। यही व्यक्ति जब किसी मंदिर में जाकर बैठेगा तो उसको एक अलग अनुभव होगा, अलग शांति, अलग मन इतने तन्मयता में रम जाएगा उसका कि बस बोलने का ही नहीं, बस उसको एक आशा जागृत होती है, जीवन के प्रति सकारात्मक प्रभाव आते हैं। तो ये वास्तु का प्रभाव है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी व्यक्ति की जन्मदिनांक नाम के आधार पर कार्य करती है।
न्यूरोलॉजी में जन्म दिनांक नाम के आधार पर उनका यह विश्लेषण किया जाता है कि इनका आपस में तारतम्य है या नहीं। न्यूरोलॉजी के आधार पर व्यक्ति के जन्मांक, मूलांक, वाक्यांक आदि निकाले जाते हैं तथा उनके नाम के साथ उनका मिश्रण किया जाता है, मिलान किया जाता है कि वो मैचिंग है या नहीं है। जिस तरह से एक पति के लिए उसकी पत्नी का अगर मिलान सही नहीं है, पत्नी और पति की आइडियोलॉजिकल डिफरेंट है, तो उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में व्यक्ति के नामांक के गुण तत्व, नामांक के जो अंक है उनके रूलिंग प्रतिनिधि तथा उनके डेट ऑफ बर्थ के रूलिंग प्रतिनिधि जो ग्रह है उनका आपस में सामंजस्य नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन उसी तरह से तबाह हो जाता है जिस तरह से वैवाहिक व्यक्ति का जीवन अब उसको अच्छी पत्नी या पति नहीं मिलने से होता है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि पाथफाइंडर एस्ट्रो वास्तु रिसर्च इंस्टीट्यूट जीवन की समस्याओं का समाधान कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपका पाथफाइंडर लोगों की किस तरह मदद कर सकता है? जो व्यक्ति ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एवं उनसे संबंधित किसी भी तरह के विषयों में रुचि रखता है, उसी विषयों में अगर वो अध्ययन करना चाहता है और उसी अध्ययन को आधार बनाकर जीवन में उसको कैरियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं, पाथफाइंडर उन सभी व्यक्तियों को आमंत्रित करता है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों से को भी आमंत्रित करता है कि जो व्यक्ति जीवन में किसी न किसी समस्या से अगर घिरे हुए हैं तो पाथफाइंडर जरूर ही उनके लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा। आप हमारी वेबसाइट www.pathfindersastrovastu.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं pathfindermumbai@yahoo.com पर। इस प्रोग्राम में आकर ज्योतिर्विज्ञान के बारे में बातें कर हमें बहुत अच्छा लगा। पाथफाइंडर का भी यही मिशन है कि ज्योतिष विज्ञान के बारे में लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे। नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम देखकर आप सबको काफी लाभ हुआ होगा। And now you can live a happy life. नमस्कार।